फिलहाल विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी योजनाओं पर काम कर रही है। वहीं हाल ही में सियासत में उस वक्त हलचल मच गई थी जब रोशनी यादव ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात की थी। वहीं अब रोशनी यादव ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि जनता ने मुझे मैदान में आने के लिए बात कही है, तो फिर पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की हलचल। कमलनाथ से मुलाकात पर रोशनी यादव ने तोड़ी चुप्पी। रोशनी यादव बोली, अब पीछे हटने का सवाल नहीं उठता। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक फोटो तेजी से वायरल हो रही है जिसमें रोशनी यादव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के साथ दिखाई दे रही हैं। दावा किया जा रहा है कि रोशनी यादव जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। क्यों, वहीं अब इन अटकलों पर चुप्पी तोड़ते हुए खुद रोशनी यादव ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। देखिए, ये चूंकि अभी काफी चर्चाओं में है ये विषय, पर मुझे नहीं लगता कि इस विषय को इतना तूल पकड़ना चाहिए, क्योंकि मेरी स्पष्टता, जहां आपने बुंदेलखंड की राजनीति की बात कही और उस बुंदेलखंड की राजनीति में अगर मैं टीकमगढ़ और निवाड़ी दोनों ही जिले की बात करती हूं, तो जो है जिस प्रकार से हमारी सरकार हमें आरक्षण देने की बात करती है और महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने की बात करती है, तो उन दोनों जिलों में महिलाओं का चयन ना करके आज कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है। और पांचों विधानसभा सीटों पर किसी एक महिला पर क्या आपके पास किसी एक महिला की योग्यता नहीं थी जिसको चयन करके आप खड़ा? विधानसभा चुनाव में निवाड़ी से चुनाव लड़ने के सवाल पर रोशनी यादव ने क्या कुछ कहा है, जरा आप खुद ही सुनिए। और उस बात को कोई अलग तरीके से ले जाता है तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उपचुनाव जब हुआ और उसमें भी मेरी अच्छी भूमिका थी और मुझे शीर्ष नेतृत्व द्वारा बिल्कुल ये विश्वास जताया गया, दिलाया गया कि आगे आने वाले समय में आपको जो है किसी अच्छी जगह स्थापित किया जाएगा और महिलाओं का नेतृत्व करें। चूंकि आप मेरी जीवन शैली को देखेंगे और उस क्षेत्र में जाकर उस चीज को महसूस करेंगे, तो मैं हजार महिलाओं की आवाज हूँ, मैं उनकी आशा हूँ और बुंदेलखंड की बेटी हूँ, तो बेटी के नाते हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार उस बात को मैं आगे लेकर चल रही हूँ कि मुझे मैदान में रहना है। और मुझे जब अभी जिला पंचायत सदस्य भी हूँ मैं, तो पृथ्वीपुर विधानसभा का चयन ना करते हुए मैं निवाड़ी विधानसभा का चयन किया, जहाँ पे एक महिला सीट आरक्षित हुई। और उस मैदान में जब जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में उतरी, तो उन्होंने 8,000 करीब की मुझे जीत दिलाई, जबकि एक बहुत छोटा वार्ड था। और उसके बाद उस पूरे क्षेत्र की परिवार की आशाएं मुझसे लग गई हैं कि बेटा आपको आगे चुनाव लड़ना है और आप जैसा नेतृत्वीकरण आएगा तो शायद हमें एक बेहतर, जो निवाड़ी की हम कल्पना करते हैं, निवाड़ी जिले को विकास से जोड़ना है, निस्वार्थ भाव से काम करना है, सच्चाई के साथ काम करना है, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है। और आज ये कहने में मुझे कोई बुरा महसूस नहीं होता है, क्योंकि मैं सरकार के साथ तब खड़ी हूँ जब मेरे माता पिता और मेरा क्षेत्र खुशहाल है। और आज किसानों की स्थिति देखते हुए मुझे दुख होता है कि आप देखिए, किसी स्कीम को लेकर के किसी के खाते में पैसे डालना और उस पैसे से किसी को सम्मान पहुंचाना, ये बहुत अच्छी बात है, पर जब तक उसको आप आजीविका से नहीं जोड़ते हैं, तो वो एक समय के बाद अपने को निठल्ला, बेसहारा, असहाय, लाचार सा महसूस करेगा। तो मेरा ये निवेदन है कि कोई भी हम स्कीम्स बनाते हैं या योजना बनाते हैं, तो एक लार्ज स्केल पे उसका एक विजन तैयार करें कि हमें निरंतर उनको रोजगार के साथ कैसे जोड़ना है, ताकि उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम हो वो लगातार आती रहे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ना मिले कि ठीक है आज चुनाव है तो चुनावी दौर पे हम कई सारी स्कीम्स लेके आ रहे हैं, महिलाओं का संबल बढ़ा रहे हैं, युवाओं का संबल बढ़ा रहे हैं, किसानों को एक आमदनी देने का कार्य कर रहे हैं। तो ये देखिए, कहीं भी ये बिल्कुल राजनीति से हटके मैं बात कर रही हूँ, ये प्रदेश का और देश का इससे डेवलपमेंट तय नहीं किया जाएगा, इससे ऊंचाइयां तय नहीं की जा सकती हैं। और इन्हीं चीजों को देखते हुए जब मुझे लगा कि क्षेत्र में इस तरह का सम्मान और प्रेम मुझे लोगों के द्वारा मिल रहा है, तब इस बात को मैंने बहुत स्पष्टता के साथ रखा कि रोशनी यादव चुनाव लड़ेगी, उस क्षेत्र की बुंदेलखंड की बेटी चुनाव लड़ेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस अपनी योजनाओं पर लगातार काम कर रही है। वहीं हाल ही में सियासत में उस वक्त हलचल मच गई थी जब रोशनी यादव ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात की थी। वहीं अब रोशनी यादव ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि जनता ने मुझे मैदान में आने की बात कही है, तो फिर पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता।
ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़ भोपाल।